भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर का स्मरण कर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो ये पक्का है अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर। और माता से निवेदन करना, हे लक्ष्मी मैया, हे वैभव लक्ष्मी, हे माता अष्टलक्ष्मी, हे माँ संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हे माँ ऐसी कृपा करिए आप हमारे घर से रुष्ट होकर ना जाइएगा, ये घर ये परिवार ये सब आप। ये किसी दूसरे का मां पूजन करते समय माता लक्ष्मी से जरूर कहें, मां 4 साल हो गए, सकता है आप हमसे रुष्ट हो गई हो, पर आज क्षमा मांग कर अपने घर में आप प्रवेश करिए, मां आइए हमारे घर आप पधारिए। महाराज कितना सुंदर संवाद है, एक साहूकार की बेटी साहूकार की पुत्री पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे प्रत्येक अमावस्या को दीप लगाने जाती, उसका नियम था। साहूकार की पुत्री प्रत्येक अमावस्या तीन दीप, एक बेलपत्री के नीचे, एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे लगा। महाराज आज नारायण ने कृपा कर दी, और क्या कृपा करी कि आज सरस्वती पार्वती और लक्ष्मी तीनों इन वृक्षों के नीचे जाकर विराजमान हो गए। पार्वती मैया तो पहले से ही बेलपत्री के नीचे है, स्वयं सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया आंवले और पीपल के नीचे विराजमान। अब आज तीनों देवियों में बात हो रही है, आज तीनों देवियों में चर्चा हो रही है कि यदि आज अगर कोई दीप लगाने आया और पहला दीप जिसका लगेगा तो ये पक्का है कि मैं लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करूं। सरस्वती जी बोली, जो पहले बार दीप लगाने के लिए प्रथम में आएगा मैं उससे अपनी सहेली बना लूंगी, उसको अपनी मित्र बना लूंगी। पार्वती जी बोली, जो प्रथम दीप लगाने आएगा, पार्वती जी कहती हैं, मैं भगवान शिव से कहकर उनका कल्याण करवा दूं। अब ये साहूकार की बेटी, वो साहूकार जो कहने का तो साहूकार था, धन पूर्व में बहुत था, पर अब इसके पास में कुछ भी नहीं बचा। देखिए सुख दुख तो जीवन में चलता रहता है, आज सुख है कल दुख है फिर दुख है फिर सुख है, ये जीवन में चलता रहता है। भगवान ने दिया, हो सकता है पूर्व में आपके पास में खूब धन होगा, वैभव होगा, सत्ता होगी, फैक्ट्रियां भी होंगी, दुकान भी होगा, धंधा भी होगा, पानी भी होगा, सब कुछ सारी सत्ता आपके पास में होगी, पर समय की घड़ी किसने देखी है सर? कौन देखा घड़ी, कौन देखा पानी? इसीलिए कहते हैं ना, बार बार कहते हैं, मेरा पल पल भी आ जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, नमः शिवाय। बड़ी मुश्किल से मिलता है घड़ी, पल समय नक्षत्र कब बदल जाए किसको मालूम है। आज साहूकार के जीवन में था साहूकार कहने का, पर धन नहीं था, वैभव नहीं था, सब समाप्त हो गया था, कहीं पैसा चले गया लग गया। महाराज बेटी ने वही दीप तैयार करे,
दीपावली की अमावस्या नहीं थी, पर दूसरी जो अमावस्या थी उस अमावस्या पे उसने दीप लगाया। जैसे दीप लगाया, तीन देवियों ने आवाज लगाई, अरे सखी सुनो तो। साहूकार की बेटी बोली, किसकी आवाज आ रही है? अरे सखी सुनो तो। सखी ने कहा, क्या बात है? आवाज आई, तीन सुंदर स्त्रियां बड़ी सुंदर युवती बनकर सुंदर आभूषण वस्त्र पहनकर बैठी हुई, एक ही जगह पर तीनों बैठी हुई। इसी को त्रिवेणी कहते हैं। हमारा जो त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें तीन, त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें दिए लगाने का बड़ा महत्व होता है, तो इसी को त्रिवेणी कहते हैं। तीनों बैठी हुई, अब तीनों बैठी, आवाज लगाया, हम आपको सहेली बनाना चाहते, सखी बनाना चाहते, आप हमारी सहेली बनेंगी? अब इस साहूकार की बेटी को लगा, ये तो बहुत पैसे वाली दिख रही है, धनपति दिख रही है, और मैं तो गरीबड़ी, और ना जाने में अगर इनकी सखी बन गई तो फिर इनको क्या मुझे देना पड़ जाए, कोई भरोसा? इसलिए शास्त्र कहता है कि मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ, मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाना। ज्यादा धनपति मित्र बन गया तो मन में आएगा कि जब ये घर आएगा तो इसको घृत का भोजन तो कराना ही पड़ेगा, घी का भोजन तो कराना ही पड़ेगा। इसलिए मित्र भी बने तो ऐसा बने कि जो आपके सम्मुख में हो उसको धन और वैभव से मतलब ना हो, उसको सत्ता से मतलब ना हो, आप उसको केवल आपसे मतलब, आपकी मित्रता से। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं आपको कल बताती हूँ, मेरे पिताजी से पूछूंगी, मैं आपको मित्र बनाऊं कि ना बनाऊं? ठीक है, चलिए। घर पहुंची, पिताजी मुझे तीन सखियां मिली, एक सरस्वती है, एक पार्वती है और एक लक्ष्मी। अच्छा, पीपल, आंवला और बेलपत्र तीनों वहां विराज। अच्छा, क्या कह रही है? सखी बनाना चाहिए। पिताजी ने कहा, बन जाओ सखी, सखी बनने में दिक्कत क्या है, बनो। अब दूसरी अमावस्या पे जब वो गई और जाकर उसने कहा कि मैं आपकी सखी बन सकती हूं, तीनों प्रसन्न हो गई, तो उसमें से एक सखी माता लक्ष्मी ने कहा कि चलो आज तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। सखी को माता लक्ष्मी अपने घर ले गई। साहूकार की बेटी को जब घर लेकर गई, सुंदर सोने की चौकी, सोने की थाली और सोने के गिलास, पकवान एक से बढ़कर एक माता लक्ष्मी ने जब साहूकार की बेटी के सामने परोसे, इधर माता सरस्वती, इधर माता पार्वती नजदीक में बैठ गईं और साहूकार की बेटी पकवान को पाने लगी। साहूकार की बेटी पकवानों को पा रही है, भोजन ग्रहण कर रही है। अब भोजन करने के बाद साहूकार की बेटी चली गई। अब जाते से ही माता लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो सखी, अगली जो अमावस्या आ रही है, आपको मालूम है वो कौन सी अमावस्या है? नहीं। कहा, दीप मालिका, दीपावली की अमावस्या, आपको मालूम है? ओहो, पर एक बात हम आपको कहें, लक्ष्मी जी बोली, एक बात हम आपको कहें। हाँ बोलिए। हम चाहते हैं इस अमावस्या को आप हमारे घर आई हो, अगली अमावस्या को हम आपके घर आना चाहें, क्या आप हमें बुलाएंगे? सखी ने कहा, साहूकार की बेटी बोली, अगर आपका मन है आने का तो आप आओ, मना नहीं है, साहूकार की बेटी हूं मैं। लक्ष्मी जी ने मन में सोचा, ठीक है, तैयारी करो। आज साहूकार की बेटी घर पहुंची तो पिताजी ने पूछा, बेटी आज बहुत देर हो गई तुझे आने में, कहां रह गई थी तू, कहां रह गई तू? बेटी कहती है, तीन सखियों के घर गई थी, आने में देरी हो गई, पर मेरी सहेली माता लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अमावस्या के दिन मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। तो पिताजी ने कहा, उसमें क्या दिक्कत है, तैयारी करो। तो पिताजी, घर में अपने खाने के लिए तो कुछ नहीं,
तो माता लक्ष्मी को क्या खिलाएंगे? कई लोग कहते हैं कि दीपावली पे ना तो हमारे यहाँ घी है, ना हमारे यहाँ तेल है, ना हमारे यहाँ कपास है, ना हमारे यहाँ पर मिठाई बन रही है, ना हमारे यहाँ अच्छे वस्त्र हैं, हम क्या पहने माता लक्ष्मी को रिझाने के लिए? परशु महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता परमात्मा के चरणों में लगी है तो परमात्मा लक्ष्मी पूजन की व्यवस्था भी वही कर देगा कि लक्ष्मी जी का सम्मान कैसे करना, आदर कैसे करना। घर में बच्चों का विवाह होता है, टेंशन आपको होता है, परमात्मा पर छोड़ दो, भगवान विवाह कराने वाला होगा, भगवान पाणिग्रहण संस्कार कराएगा, भगवान व्यवस्था करेगा, क्योंकि जन्म उसी ने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है, जन्म उसी ने दिया है तो पाणिग्रहण संस्कार भी वही करा देता है। क्यों सोच? साहूकार ने कहा, बेटी तू इतनी जल्दी हिम्मत हार गई कि तेरे घर में कुछ नहीं है? गाय का गोबर ला, लीपन कर, घर को पोछ, कचरा उठाकर बाहर फेंक दिया। पिताजी घर में तो कचरा भी नहीं है कि जिसका प्रयोग करा जाए। कचरा उठाकर बाहर फेंक दिया। चौकपुर, पिताजी चौक पूरने के लिए तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं, जो दीवार पर पोत रही है वही मिट्टी को पोत दे। चौक उनके घर गई थी, सोने की चौकी पर सुंदर आनंदमय भाव से बिठाया है मुझे, सुंदर सोने की थाली में भोजन कराया है मुझे, अब मैं क्या दूं? पिताजी कहते हैं, अगर लक्ष्मी आपकी सहेली अगर आ रही है, बड़ी धनपति है, तो व्यवस्था भी वही करेगी। अब लक्ष्मी तो जाने की तैयारी में, सरस्वती उनके साथ जाने की तैयारी में, पर माता पार्वती नहीं गई। माता पार्वती ने कहा, आज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? आज मुझे अमावस्या का दिन है ना, इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे मुझे रहना पड़ेगा। तो माता पार्वती बेलपत्र के पेड़ के नीचे रुक गई। अब ये दोनों जाने के लिए तैयारी करी, लक्ष्मी और सरस्वती जाने लगी, साथ में उन्होंने गणेश जी को ले लिया, रिद्धि सिद्धि को ले लिया, और साहूकार के यहाँ जा रही हैं। जैसी साहूकार के यहाँ जा रही थी, इतनी देर में माता पार्वती को लगा कि इसके पास में जिमाने के लिए, रखने के लिए कुछ नहीं है। माता पार्वती ने एक चील का रूप लिया और उड़ती हुई एक राजकुमारी के हार को, रतन जड़ित हार को लेकर माँ पार्वती गई और साहूकार के घर में उस फेंक दिया। साहूकार के दरवाजे पर जैसे फेंका, बेटी ने झाड़ू लगाते समय देखा कि कचरा, ये हार कहां से आ गया? पिताजी को दिखाया, अल्लाह मैं जाऊं। जो सेठ को दिखाया महाराज, ये हार तो करोड़ों का है, कोई साधारण नहीं। धन मिला तो सबसे पहले जाकर एक सुंदर चौरंग लाया, पाटा लाया, उस पाटे पर सुंदर वस्त्र बिछाया और माता लक्ष्मी के आदर की तैयारी के लिए सुंदर सुंदर घर में पकवान बनने लगे साहब। और सुंदर सुंदर पकवान बने, जैसे ही लक्ष्मी घर में प्रवेश करी, सरस्वती प्रवेश करी, गणेश प्रवेश करे, रिद्धि सिद्धि प्रवेश करी, लक्ष्मी जी ने पहला संबोधन कहा, क्यों सखी, तू तो कह रही थी कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, फिर इतना सारा सामग्री कहां से आ गई? सखी कहती है, मेरे पिताजी कहते थे जिसके मंदिर में दिया लगाया है, जिस वृक्ष के नीचे दिया लगा कर आई है, जहां जिस देवता को पूछ कर आई है, विपता की घड़ी में वही देवता कर खड़े होते हैं। ना जाने कहां से हार मिल गया, ना जाने कब प्रसाद बन गया। लक्ष्मी जी ने ध्यान लगा कर देखा कि पार्वती क्यों नहीं आई थी, समझ में आ गया कि एक सखी पूरी व्यवस्था करने में लग गई थी। ऐसी है मेरी माँ लक्ष्मी, ऐसी है माँ पार्वती, ऐसी है माँ सरस्वती। उनकी आराधना, 3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो, आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। दीपावली की पूजन अच्छे से करिए, माँ लक्ष्मी आप सबके घर अवश्य पधारेंगी, पकवान बनाइए, भोग चढ़ाइए, माँ लक्ष्मी की आप सब पर हमेशा कृपा बनी रहे, यही मनोकामना आप लोगों के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। आपको यह अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माँ लक्ष्मी।